क्रिकेट बंद किया, आपको भी शर्म आना चाहिए, लुपटा होना चाहिए, कुछ शर्म करो। औरत घर में अच्छी लगती है, अगर मेरा मीटर घूम गया ना, मैं आपको क्या करूँ? जिस तरह क्या करोगे मीटर घूम गया तो? बड़ा कुछ कर आपको लुपटा सही मीटर बाल को मीटर में बड़ा कुछ कर सकते बताओ ना क्या करोगे। वैसे मेल्स को देख लें, आप उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में क्या किया था, 120 चेज नहीं हुआ इंडिया के खिलाफ। बस क्या बताऊँ, जिस अजीब से हालात हुए हैं पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान की मेल टीम कर रही है, मेन टीम कर रही है, वैसी फीमेल का हालात। दिल्ली ने तो ऐसे बैटिंग की है जैसे विराट कोहली करता है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया तो हमेशा ही देखें, जेंट्स हो या लेडीज हो, वो लोग हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो क्लिप तो देख ली होगी, पाकिस्तान के ये जो शख्स है खुले आम लेडीज को कैमरा ऑन कैमरा धमकी देने, अगर मेरा मीटर घूम गया तो बस। अब सोच जाओ यार क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे इसी तरह के लोग हैं। मेंटलिटी सोच इनकी ऐसी है, इनका माइंड भी ऐसी रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये इतने ज़्यादा रेडिकलाइज सोच वाले हो चुके हैं, इतनी छोटी सोच वाले हो चुके हैं कि इनको खुद भी नहीं पता है। और जब ये इस तरह से मुंह से अपनी गंदी गंदी बातें निकाल देते हैं, उसके बाद भी नहीं सोचते कि हमने गलत बोला है या सही बोला है। चलिए अब इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले किया है। इवन कि अगर आप उनकी मेंस टीम भी देखें तो वो पाकिस्तान को काफ़ी टाइम से वो ऑलमोस्ट क्लोज मैच जाते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट हर दफ़ा बीट कर देते हैं। हमने एक दफ़ा उन्हें अगर देखा जाए तो एशिया कप में उन्हें हराया है बाबर की कप्तानी में, और इसके अलावा हमने उन्हें एक वर्ल्ड कप मैच में भी हराया, वो भी बाबर की कप्तानी में। लेकिन अगर आप विमेंस क्रिकेट को देखें तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की विमेंस टीम ने अच्छा नहीं किया। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड भी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम का, तो एक अच्छा रिकॉर्ड है, आप उसे बुरी टीम में शुमार नहीं कर सकते। मैं खुसूसी तौर पर कहना चाहूँगा कि जब बासित अली की कोच में थे, कोच कर रहे थे पाकिस्तान टीम को, आप उस वक्तों के अगर आप स्टैट्स चेक करेंगे तो पाकिस्तान विमेन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो कप्तान है, इससे पहले आई थिंक सना मीर थी, और मैं क्या इस वक्त अगर मैं गलत नहीं तो निदा डार हैं, फातमा सना जी, फातमा सना है। तो हमारे पास बहुत अच्छी विमेंस क्रिकेटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं। क्लोज मैच था, 105 स्कोर उन्होंने किया था पाकिस्तान ने, जो कि देखा जाए तो कम था कंपेरेटिवली। अगर ये स्कोर 150-160 के करीब होता तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान हारता। बैटिंग कमजोर थी लेकिन बॉलिंग ने बहुत अच्छा स्कोर किया, क्योंकि 18th ओवर में जाके इंडिया जैसी मजबूत टीम ने भी 18th ओवर में जाके चेस किया है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बहुत सारी कमियां थी जो कि पूरी कर सकते हैं पाकिस्तान टीम। मेरी बेस्ट विशेज है उनके साथ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम ये बिल्कुल वर्ल्ड कप विन करे, क्योंकि पाकिस्तान अभी टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई, तो हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि हम मेंस टीम को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा फाइनेंसिस अवेलेबल हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं। विमेंस टीम को हम इतना सपोर्ट नहीं करते, हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमें बिल्कुल ग्राउंड में जाके मैच देखना चाहिए, एक जेन्युइन सपोर्टर बनना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जो मेंस हो या विमेंस हो। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, और मेरी बेस्ट विशेस। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इंडिया की अगर हम बात करें बैटिंग की, तो शिफाली ने बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, 33 उन्होंने स्कोर किया, क्या कहना चाहेंगे शिफाली की परफॉर्मेंस के बारे में? बिल्कुल शिफाली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं है, और बिल्कुल उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग खेली है पाकिस्तान टीम को। बिल्कुल उनके लिए कोई, हमारे पास कोई टैक्टिक्स होने चाहिए थे उनको जल्दी आउट करने के, क्योंकि हमारे पास स्कोर ज़्यादा नहीं था, उनके पास उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, तो बिल्कुल हमें क्रेडिट देना चाहिए इंडियन विमेंस टीम को। अच्छा उनकी अगर हम बॉलिंग की भी बात करें, तो बॉलिंग में उनकी रेनुका जो है उन्होंने 2 आउट कर दिए, तो उनकी बॉलिंग के बारे में, रेनुका की बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्सेप्शनल बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि 105 पे अगर उन्होंने पाकिस्तान टीम को ऑल आउट किया है, बिल्कुल ऑलमोस्ट उन्होंने ऑल आउट किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, उन्होंने कंडीशन को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, प्लस उनके पास पेस अटैक अच्छा है, उनके पास स्पिन अटैक अच्छा है, अगर उनकी विमेंस टीम का देखा जाए तो बिल्कुल उन्होंने आउटक्लास किया पाकिस्तान टीम। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे इंडिया अपनी जो वुमेन टीम है उसको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, अच्छा उनको फ्लरिश किया जाता है, बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में हम बात करें तो सिर्फ मेन टीम को ही फ्लरिश किया जाता है, उनके ही स्पॉन्सर आते हैं, कभी मैंने सुना नहीं कि वुमेन टीम को इतना ज़्यादा स्पॉन्सर आ रहा है या उतना ज़्यादा फ्लरिश किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि ये इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है?
बिल्कुल, इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि हमारे पास इतने फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, इतने स्पॉन्सर्स अवेलेबल नहीं है, तभी तो मेन टीम को इतना ज्यादा मेंस टीम को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि मीडिया में उनको ज्यादा हाइप मिलती है, ओवर द एक लेगेसी है पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम की। अगर हम बात करें इंडिया में, उसको तो इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे वो बहुत मतलब शी इज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन मैंने कभी इस तरह से पाकिस्तानी टीम में नहीं देखा जैसे स्मृति को उन्होंने रखा। जी बिल्कुल, वो स्मृति को बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रीट करते हैं जैसे इंडियन में भी टीम को विराट कोहली को करते हैं, और नो डाउट वो अच्छा परफॉर्म भी करती आ रही है ओवर द टाइम, तो बिल्कुल मेरा कहना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो इंडिया में वो वीमेंस IPL भी करवा रहे हैं, पाकिस्तान में PSL होता है लेकिन वो मेंस PSL होता है, वुमेंस PSL अभी तक इस तरह नहीं है, तो बिल्कुल मैं तो कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करनी चाहिए। लगता कि जो हमारे जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा हार्श है, उनकी इतनी ज्यादा रिजिड आइडियोलॉजी है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वुमेन PSL हुआ तो? ये बिल्कुल आप कह सकते हैं, इसके लिए आप कह सकते हैं कि हमारा एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, ये भी एक बिग फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमारी वुमेंस टीम को आप देखें स्कूल लेवल पे या फिर आप कॉलेज लेवल पे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, कॉलेजेस भी इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते कि वो हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे हमारे पास एक अच्छे क्रिकेटर्स आएँ, इवन के जो आती भी हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है। मेंस सोसाइटी है, मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये बिल्कुल है। इंडिया भी अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी उस तरह के हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जो जो उनकी फीमेल्स हैं, जो उनकी वुमेन क्रिकेट टीमें हैं, उनको उस तरह से प्रमोट करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा फिर किस तरह से वो आया हुआ है कि एक ख्याल औरत के लिए? जी बिल्कुल, इसके लिए आपको क्रेडिट देना चाहिए इंडियन सोसाइटी को जो बिल्कुल इसके लिए वो आप सपोर्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यस एग्जैक्टली सबसे पहले तो आपको पेरेंट्स सपोर्ट चाहिए होती है, घर में अगर आपको कोई भी ना करे तो आपके पेरेंट्स की सपोर्ट है, बिल्कुल आपको जहाँ पे क्रेडिट है वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर वो बेहतर खेल रहे हैं तभी वो जीत रहे हैं, और वो अभी से नहीं जीत रहे, वो एक अरसे से, अगर आप उनका पास रिकॉर्ड भी देखें तो वो ऑलमोस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट करते हैं, उनकी अगर आप देखें ओवर द रिकॉर्ड भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप वीमेन क्रिकेट टीम में भी जीते हैं वो ऑस्ट्रेलियन वीमेन की टीम ने जीते हैं, इंग्लिश क्रिकेट वीमेन क्रिकेट टीम में वो जीते हैं, और उसके बाद इंडियन ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो वो आपको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए और सीखना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपने हमसाये से जो कि आपका राइवल भी है उससे भी अगर आप सीखते हैं तो बिल्कुल सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान टीम वुमेन टीम को सपोर्ट करें ताकि आपको ये प्राउड फील करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो लास्ट नोट है इंडिया की आज की विन पे? इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, बिल्कुल वो जीतें, और क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इवन के मेंस में भी, तो मैं तो हमेशा कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान ना जीते तो इंडिया जीते, ताकि हमेशा सब कॉन्टिनेंट में ही रहे, हमें डोमिनेट करना चाहिए इस चीज़। क्या बात है, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, शिराज। शिराज, आपका क्या नाम है? नबील। आज पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में वुमेन हार गई है, हमारी जो टीम है वो हार गई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील हो रहा है? बस क्या बताऊं, जिस अजीब से हालात हुए हैं पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान की मेल टीम कर रही है, मेन टीम कर रही है, वैसी फीमेल का हाल। अच्छा, 105 इन्होंने स्कोर दिया था और निदा डार ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने 28 किए थे, क्या कहना चाहेंगे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? निदा डार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए, ओवरऑल हार जीत पे होता है, किसी एक की परफॉर्मेंस पे कुछ नहीं होता, अगर जीते नहीं है तो क्या फायदा उस परफॉर्मेंस का? हम परफॉर्मेंस की बात कर ले तो शिफाली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, 33 का उन्होंने स्कोर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इंडिया की बैटिंग के बारे में? इंडिया तो हमेशा ही देखें जेंट्स हो या लेडीज़ हो, वो लोग हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, असल में उनका स्ट्रक्चर जो है जो क्रिकेट की है वो बहुत अच्छा है, क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है, इसलिए उनके प्लेयर्स को हर प्रेशर सिचुएशन में खेलने की भी अच्छी आदत है, वो ऊपर से उनके फिर IPL वगैरह वुमेन प्रीमियर लीग होता है, तो इस वजह से भी उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ, वो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं। अच्छा, ये बात भी बहुत ज़्यादा की जाती है कि इंडिया की जो टीम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यू नो स्पॉन्सर मिलते हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की वुमेन टीम को ना उस तरह से उनको ट्रेन नहीं किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि सारा जो फोकस है वो हमारा मेन की जो परफॉर्मेंस है उन पर ही लगाया जाता है? ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग मेल्स में जब पहले तो रिप्रेजेंट हमारी मेल टीम ही करती है, और मोस्टली लोगों के जहन में भी यही होता है, लेकिन वुमेंस को भी प्रॉपर चांस देना चाहिए, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म पूरा तैयार करना चाहिए उन लोगों को, कि प्लेटफॉर्म एक अच्छा तैयार होगा तो ही वो लोग जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। स्ट्रक्चर उनका अच्छा है तो पाकिस्तान की वुमेंस का भी अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो अच्छा। मैं आज इतनी मैं परफॉर्मेंस देख रही थी पाकिस्तानी वुमेन टीम की, उनकी परफॉर्मेंस अगर हम बात कर लें, उनकी फील्डिंग की अगर हम बात कर लें तो बहुत अच्छी थी, तो अगर उनको थोड़ा सा और ट्रेन किया जाए, उनको थोड़ा सा और यानी कि अच्छी तरह से उन पर फोकस किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है वो इंडिया से आगे जा सकती है, क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं अपना सच्चा ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि
इंडियन टीम में आपने जैसे आप लोगों को बताया कि उनका जो खेलने का तरीका है वो डिफरेंट है और वो इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करके करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स को भी अगर चांस दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो करेंगे। वैसे मेल्स को देख लें आप, उन्होंने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में क्या किया था, 120 चेज नहीं हुआ इंडिया के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में जिनको इतना ज़्यादा पे किया जाता है और जिनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर इनको कहना मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। अच्छा, इंडिया की अगर हम बॉलिंग की बात कर लें तो रेनुका ने दो आउट किए, दो प्लेयर्स उन्होंने आउट कर दिए। क्या कहना चाहेंगे रेनुका की इस परफॉर्मेंस के बारे में? इंडिया की जब वुमेन्स खेलती है तो वो ऐसा लगता नहीं है कि वो मतलब किसी से भी कम है। क्या कहना चाहेंगे रेनुका की परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए, पहले था कि इंडिया की बॉलिंग को इतना मजबूत नहीं समझा जाता था, लेकिन अब आपको जैसे बताया कोचिज इतने अच्छे मिलते हैं और फिर फॉरेन कोचिज होते हैं उनके, फिर अंडरस्टैंड अच्छे करते हैं क्योंकि, तो फिर इस वजह से उनकी जो बॉलिंग में भी फर्क पता लगता है। तो फिर उनकी उसने अच्छी बॉलिंग की, उसने अपनी टीम के लिए किया। तो साली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, 33 उन्होंने स्कोर किया पाकिस्तान के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे शिफाली के बारे में? शिफाली ने तो ऐसे बैटिंग किया जैसे विराट कोहली का था पाकिस्तान के खिलाफ। और सना डार जो है वो पुरानी है, उनको ज़्यादा वो है इसका सेंस है। शिफाली ने अच्छा खेल पेश किया है इंडिया के, जैसे इंडिया बैटिंग टीम अच्छा खेलती है तो वैसे ही शिफाली ने भी अच्छा खेला है। और जैसे इनके मिडल ऑर्डर में आती है मेरे ख्याल में, मुझे आइडिया नहीं है, तो मिडल ऑर्डर में आती हैं, तो उन्होंने जिस तरीके विराट कोहली और इंडियन के प्लेयर्स जो हैं मिडल ऑर्डर के, जैसे पंत हो गया, विराट हो गया, तो ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो इसलिए उनका मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है। हमारा मिडल ऑर्डर ऐसा वीक है, आप देखिए ना श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने लोएस्ट स्कोर ही किया था, लेकिन वो फिर भी श्रीलंका को उन्होंने डिफेंड कर लिया। लेकिन इंग्लैंड की, इंडिया की टीम बहुत अच्छी और तगड़ी है, तो इस वजह से उनको मुश्किल हुई। वैसे तो इंडिया का मोरल डाउन होना चाहिए था क्योंकि न्यूजीलैंड से वो पहला मैच हार गए थे अपना न्यूजीलैंड। अच्छा, तो रेनुका ने जो बॉलिंग की है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसने दो आउट किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रेनुका ने अच्छी बॉलिंग की है और जो अच्छी बॉलिंग करेगा उसको उस हिसाब से नतीजे मिलेंगे, और वो लोग अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, इसी वजह से वो जीते। अच्छा, हमारी भी फील्डिंग की अगर बात करें तो बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन हमारी बॉलिंग जो है वो कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आई। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी वीक रही? तो फील्डिंग हमारी काफी स्ट्रांग थी, लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आई है। निदा डार ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके अलावा कुछ ज्यादा नजर नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? बैटिंग उन्होंने बहुत लूज की है मेरे ख्याल में, और बॉलिंग इनकी अच्छी है। वैसे भी स्पिन कंडीशंस होती हैं यूएई में, तो वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान को ऐसे स्पिन कंडीशंस। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया था अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता बॉल विद बॉल विद बैट, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए था अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन ये मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया कि जैसे उनका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो बस फर्क है दोनों टीमों में। आप क्या कहना चाहेंगे शिफाली की परफॉर्मेंस के बारे में? उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। मैं जो भी कहूंगा सही कहूंगा। हाँ। मैं इन सब पे लानत भेजता हूं। मैं अफगानिस्तान को मानता हूं, उन लड़कियों का हुकूमत क्रिकेट बंद किया। आपको अच्छा। भी शर्म आना चाहिए, लुपटा होना चाहिए। अच्छा। कुछ शर्म करो, औरत घर में अच्छी लगती है। अगर मेरा मीटर घूम गया ना, मैं आपको क्या करूँ? जिस तरह क्या करोगे मीटर घूम गया तो? बड़ा कुछ करते आपको लुपटा सही मिलता है, बाल को मीटर में बड़ा कुछ करते क्या करोगे? बताओ ना क्या करोगे? आपको घर में रख सकता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे बताएंगे। मैं जो भी कहूँगा सही कहूँगा। मैं इन सब पे लानत भेजता हूँ। मैं अफगानिस्तान को मानता हूँ, उन लड़कियों का हुकूमत क्रिकेट बंद किया। आपको अच्छा। भी शर्म आना चाहिए, लुपटा होना चाहिए। अच्छा। कुछ शर्म करो, औरत घर में अच्छी लगती है। अगर मेरा मीटर घूम गया ना, अच्छा। मैं आपको क्या करूँ? जिस तरह क्या करोगे मीटर घूम गया तो? बड़ा कुछ करते आपको लुपटा सही मिलता है, बाल को अच्छा। नहीं, मीटर घूम गया तो क्या करोगे? मीटर में बड़ा कुछ करते क्या करोगे? बताओ ना क्या करोगे? आपको घर में रख सकता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे बताएंगे। T20 वर्ल्ड कप लेकिन आज आदमियों का नहीं हुआ, औरतों का हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जब वुमेन टीम हमारी हार जाती है और इंडिया की जीती है तो कैसा लगता है? देखिए, हार जीत तो गेम का हिस्सा ही है, किसने जीतना है किसने हारना है, तो मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करता। हाँ, ये है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अच्छा, इंडिया की इस जीत के बारे में कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, सही है जी, वो उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए हम अपनी टीम को देखेंगे, चाहे इंडिया हो चाहे कोई इंग्लैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो, अगर हमारी टीम हारेगी तो हमें पता लगेगा। अच्छा, चाहे निदा, वो मेन टीम हो चाहे वुमेन टीम हो। लेकिन निदा डार जो हमारी है, उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है। क्या कहना चाहेंगे उनकी बैटिंग? दोस्तों, वीडियो किया खत्म और आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, हमारी वुमेन भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान को हराने में मैं आपको बताता हूं, एक तो पाकिस्तान से हम चाहे वुमेन टीम हो मेंस टीम हो, T20 में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो अंडर 19 वाले होते हैं वो हो, उसके अलावा जो सीनियर होते हैं ना जो रिटायर हो चुके हैं उनके मैच होते हैं वो हो, पाकिस्तान से हारते ही नहीं है।
और हर बार पाकिस्तानियों को मुंह की खाते हैं, मुंह की खिलाते हैं, पाकिस्तानियों को मुंह की खिलाते हैं, ऐसे उन्हें धोते हैं, ऐसे धोते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ये बेचारे चाहते हुए भी कि हाँ भारत हार जाए हार जाए हार जाए, हारते नहीं है, दुआ इतनी मांगते हैं और भारत फिर जीत जाता है। असल में दुआ जो है ना काम तभी करती है जब आप लोग उस चीज़ में यानी कि किसी चीज़ में मेहनत ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान में मेहनत नाम, मेहनत के नाम पर कुछ है ही नहीं, मेहनत ये करना चाहते नहीं, दूसरों पे मुंह धोते रहते हैं कि वो टीम उससे हार जाएगी तो अंदर आ जाएंगे, वो टीम उससे हार जाएगी तो हम ऐसे अंदर आ जाएंगे, खुद की परफॉर्मेंस ज़ीरो होती है और फूट सब में डली हुई है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहते हैं यार कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।